हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ विद आईएएस में। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, देश भर में यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा हल्ला और शोर शराबा मचा हुआ है। इसी क्रम में यूजीसी का परीक्षा कराने का जो निर्णय है वो अव्यवहारिक है, ये कहना है यहाँ पर राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता अनिल दुबे जी का। फिलहाल क्या है पूरी न्यूज़ जानते हैं यहाँ पर विस्तार से। उससे पहले मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लेकिन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ आपको समय पर मिलती रहे। सबसे पहले आप देख सकते होंगे लखनऊ से बड़ी अपडेट। कोरोना महामारी के दौरान विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में स्नातक व परस्नातक कक्षाओं में अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन कराने के फैसले को अव्यवहारिक बताते हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि लाखों युवाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही कई राज्यों के सीएम ने यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है। फिलहाल यदि यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ हस्तक्षेप करते हैं तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स को यहाँ पर सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। रविवार को जारी बयान में दुबे ने कहा कि कई राज्यों द्वारा परीक्षा कराने में असमर्थता भी जताई जा चुकी है, इसके बाद भी यूजीसी द्वारा परीक्षा कराने की जिद करना उचित नहीं है। ये छात्रों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सरकार कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए सप्ताह में 2 पूर्ण लॉकडाउन करने जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि महामारी को देखते हुए छात्रहित में गत सेमेस्टरों के परीक्षाफल के आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों का परिणाम भी जारी करने की व्यवस्था करें, जिस टाइप से अंतिम वर्ष के अतिरिक्त अन्य सभी वर्षों के स्टूडेंट्स इसके साथ साथ इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को विदाउट एग्ज़ाम के प्रमोट किया जा रहा है। इसी टाइप से फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को भी प्रीवियस सेमेस्टर और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर विदाउट एग्ज़ाम के पास किया जाए। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।